फतेहाबाद के गांव ढींसरा में नशे के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने विशेष अभियान शुरू किया है। वही क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे पर रोक लगाने व पुलिस प्रशासन की आंखें खोलने के लिए अब संत गोपाल दास ने ये मोर्चा संभाला है। संत गोपाल दास ने पुलिस प्रशासन को आम अनशन की चेतावनी दी। आने वाली 5 जुलाई को संत गोपाल दास प्रशासन के खिलाफ लघु सचिवालय के बाहर आम अनशन शुरू करेंगे। बता दें, नशे के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अब सामाजिक संगठनों के लोग भी सामने आने लगे। गांव में लोक गीतों के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज गांव ढींसा में सामाजिक संगठनों की ओर से एक विशेष अभियान चलाया गया और शाम को गांव की महिलाओं की ओर से बढ़ रहे नशे के विरोध में एक मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। नशे से अपने बच्चों को बचाने के लिए जिस तरह से नशा लगातार बढ़ता जा रहा, गांव को उजाड़ रहा, परिवार को उजाड़ रहा, बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा, उसके उस नशे के खिलाफ, उस बीमारी के, उस महामारी के खिलाफ आज माताओं बहनों ने पूरे गांव को जागृत किया और अब जो है आज शाम हम लोग इस नशे के खिलाफ एक मशाल जुलूस निकालेंगे। और ये बात जो है, हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो राम राज्य की बात करते हैं, उनको, उन तक ये संदेश पहुंचाना है कि किस तरह से बॉर्डर तो सुरक्षित हो गया देश का, देश की सीमा आतंकवाद से सुरक्षित तो हो रही, लेकिन ये जो घर का आतंकवाद है, जो नशे से पैदा हो रहा, जो नशे से घर उजड़ रहे, बच्चे उजड़ रहे, और माँ जो है लहू की आंसू रो रही, लहू के आंसू रो रही, तो उसको कैसे बचाया जाएगा। गाँव को स्कूल जरूरी है, गाँव के लिए विद्यालय जरूरी है, गाँव के लिए हॉस्पिटल जरूरी है, गाँव के लिए ठेका जरूरी नहीं है। गाँव के बगल में जो संस्कृति शुरू हुई है शराब की, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तमाम माताओं बहनों और ग्राम की तरफ से हम लोग ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से नोटबंदी हुई, रातों रात नोटबंदी हो गई, वैसे वैसे पूरे देश में अब नशाबंदी करिए, नशा एकदम से बंद होना चाहिए। और सभी माताएं बहनें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रही हैं, वो कह रहे हैं राम राज्य है, लेकिन यहाँ तो गाँव में शराब राज्य हो गया, गाँव में जो है चिट्टे का नशा बढ़ता जा रहा, छोटे छोटे बच्चों को ये अपने गिरफ्त में ले रहे हैं, अपने चंगुल में ले रहे हैं। ये नशा पंजाब से अब शुरू होकर हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और पूरे के पूरे हरियाणा और पूरे के पूरे देश को धीरे धीरे समाप्त कर जाएगा, निगल जाएगा। उससे पहले हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप जो है हमारी बातों को, माताओं बहनों की बातों को सुने, और अगर ये बात हमारी नहीं पहुँचती है तो हम लोग 5 जुलाई से एक अनशन आंदोलन करेंगे, जो कि सत्याग्रह होगा गांधी जी के तरीके बताए हुए रास्ते पर, वो जो है डीसी के सामने फतेहाबाद में शुरू होगा। संत गोपाल दास के साथ नशे के विरुद्ध अभियान चलाने वाले परवीन काशी ने महिलाओं को नशे के प्रति जागरूक किया। इंडिया एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा।